हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जहांगीर मेरे साथ हैं, हम तो और आपका चैनल पाकिस्तान। तो गाइस, जैसे कि आप पता है, आज एक और बहुत ही जबरदस्त किस्म का टाकरा होगा और टाकरा था अभी आरसीबी और सीएसके के दरमियान में। और सीएसके ने ये मैच जीत लिया है जी, कंफर्टेबली, ठीक है। और आरसीबी जो है एक और शिकस्त खा गई कंफर्टेबली, ठीक है। और एक और शिकस्त हुई मेरे ख्याल में, आरसीबी का जो है बैड टाइम स्टार्ट हो चुका है। आखिरी पांच मैचों में चार में शिकस्त का सामना कर रहे हैं, चार मैच हारी हुई है। जहाँ विनसे की थी इनकी, और वहां पर हार स्ट्रीक बन गई है। सही बात है। इसी तरह सीएसके जो है वो आखिरी पांच मैचों में चार जीतने वाली टीम है, तो चार मैच जीत के वो इस वक्त टॉप पोजीशन भी आ चुकी है, ठीक है जी। और हमेशा की तरह सीएसके एज यूजुअल नंबर वन है, ठीक है जी। और आज मैं हैरान हूँ कि इतनी शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप के बाद 111 रन की स्टैंड दिया दोनों, विराट कोहली और पैडी कल ने। और मैं ये समझता भाई इतनी लंबी ये पार्टनरशिप लग गई है तो मैच कंफर्म मिल गया। हाँ, लेकिन उसके बावजूद रन लगी है ना, एकदम 156 रन टोटल बनाया यार। मैं दे रहा एक विकेट थी उस टाइम, दूसरी थोड़ी देर बाद देखा 15 बॉलों के अंदर थी, चार आउट हो गए। हाँ, तो ये वो चीज है जो कि जिसमें मैच के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क डाला है, असर डाला है। और आई थिंक यही वो टर्निंग पॉइंट था किसी प्लेयर तो के, जब रन नहीं बने विराट कोहली के बाद आने वाले किसी प्लेयर ने भी वो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। और जैसा कि हमारे पास मौजूद था एबी डिविलियर्स मौजूद था, उसके बाद मैक्सवेल मौजूद था, टिम डेविड मौजूद था, 11-12 रन किए उतनी गेंदों पर, तो क्या फायदा यार। और उसके बाद मैक्सवेल ने भी इसी तरह, और टिम डेविड ने भी इसी तरह, हर्षल पटेल ने आगे थोड़ा सा पीछे नीचे रन थोड़े बहुत बनाए हैं, बाकी तो स्कोर ही नहीं बना। 156 रेडिकल भी 70 रन बना गए, फिर भी स्कोर कुछ ना हुआ। और जवाब में जनाब जी बहुत लाजवाब किस्म की बैटिंग की है उन्होंने, ठीक है जी। और मैच जो है कंफर्टेबली जीत लिया है, सही बात, ठीक है। और डीप टू प्लेसी में भी थोड़े रन किए हैं, मतलब 38 रन उन्होंने भी कर दिए, 30-35 उन्होंने कर दिए, और थोड़े से उन्होंने कर दिए, क्या नाम है हमारे मोइन अली साहब ने कर दिए, ठीक है। इसी तरह अंबती रायडू ने 30-35 बना दिए, और करते करते उन्होंने सब ने थोड़ी थोड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन की। एंड पे आके धोनी ने भी 11-12 रन बना के मैच फिनिश कर दिया। तो ये वो एक पोजीशन थी जहाँ पे मैं कहूंगी कि आसानी से 18वें ओवर में जो है मैच खत्म हो गया। सही बात है, ठीक है। कोई इतनी दिक्कत वाली बात बनी नहीं, बनी नहीं, क्या ख्याल है? सही बात। तो मुझे लगता है कि अब आरसीबी को कुछ सोचना पड़ेगा अपने बारे में, अपने बारे में, अपने टीम के बारे में। हालांकि इसके बावजूद आरसीबी सिर्फ तीसरे नंबर पे है, ये भी मैं देख के हैरान हूँ। ये उनका पिछला सीजन जो आधा सीजन जो था अच्छा खेलने की वजह से था, कि वो अभी तक सेम पोजीशन पाकिस्तान में रही थी। आधा सीजन नॉर्थ में अच्छा गुजरा, हाँ बहुत अच्छा गुजरा था। आधा सीजन जो था ना अगला, वो ऐसे का ऐसे ही था, बस तीन बैक टू बैक हारे हैं, अभी हार ही थी, हार 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 और बाहर। हाँ, हमेशा लाहौर के अंदर को जो है ना इसी साथ कंपेयर करते थे, क्योंकि दोनों टीमें हार जाती हैं अक्सर। और जो दोनों टीमें ना जैसे यहाँ रोस्ट होती हैं इंडिया में, वहाँ पाकिस्तान में जो रोस्ट होती है ना बड़ी टीम, वो है लाहौर के अंदर टीम बड़ी होती है और हार जाती है। बड़े बड़े नाम ऊंची दुकान भी का पकवान बन जाता है, यही हार वजह से इस पर हो रहा है आरसीबी के साथ। स्टार्टिंग के पहला हाफ बड़ा अच्छा गया, सेकंड हाफ में हारी। हमारी फेवरेट टीम है और देखते हैं इनके साथ और क्या होता है। यानी हमारी जितनी फेवरेट टीम्स हैं उनका यही हाल है, फेवरेट टीम चेंज नहीं पड़ेगी। जो जी आप जो टीम अच्छी लगती है वो फेवरेट बना लें भाई, यही टीम जीतेगी, देखेंगे आरसीबी जीतेगी, देख लेते हैं। हाँ, यही मैंने आज से 3 साल पहले ही आपको मैंने सुना है, ऐसे ऐसे जो ऐसे ऐसे बोल रहे थे बेटा, ये पहुंच के रहेगी, पहुंच के रहेगी, पहुंची नहीं है ऐसे ही हुआ है। अभी पिछले सीजनों में जो हमारी मुझे देखता हूँ उसे भी याद होगा। चलो इस बार से गए नहीं, देखते हैं क्या होता है, आप देखे भी। और पॉइंट्स टेबल में मैं बता रहा था, नीचे वाली टीमें ऊपर आ रही हैं, अभी भी जो है ना देखें राजस्थान रॉयल जो है वो कैसे ऊपर आ गई है, विराट कोहली भी सुनने हो गए तो हमारा हो गया कब तो हम जीत गए। तो यही कॉन्फिडेंस चाहिए थी ना टीम को, ठीक है, हम तो कॉन्फिडेंस देते हैं अपनी टीम को। तो गाइस ये था वीडियो हमारे से, कैसे रहे जरूर बताना, जान भी लगते कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।